हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो देखिए, आज का भी ब्लॉग नाइट में शुरू हो रहा है। नाइट का क्या मतलब है, 6:30 हो रहे हैं, 6 बजे अंधेरा हो जाता है तो रात हो जाती है। तो अभी मैं पास के ही मार्केट में गई थी, अपने बगल के ही मार्केट में। मुझे क्या हो गया, ये मुझे गिफ्ट लेना था बेबी के लिए, तो मैं ले आई गिफ्ट, ले आई किट ही लेकर आई। कपड़े तो मुझे नहीं मिले ठीक ठाक, तो किट लेकर आई हूँ और एक चीज़ और लेकर आई हूँ, तो पैक करवा के ही लेके आई हूँ। और आते ही मैंने सबसे पहले तो उसमें बथुआ धुल के बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं बनाऊँगी बथुए के पराठे। और इधर काम पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, और उसके साथ बनाऊँगी मैं सूखे आलू। तो यहाँ आलू धुल लिए हैं, इसे बॉयल करूँगी। तो आज डिनर में बनेगा बथुए के पराठे और सूखे आलू, यही है। और ब्लॉग पूरे दिन मैंने नहीं चालू किया, इतनी ठंड है आज, इतनी ठंड है। आज है 25 तारीख, ठीक है, इतनी ठंड है कसम से। घर के अंदर फिर भी बहुत कम ठंड है, बाहर मैं अभी निकल के गई। मैं गई हूँ 5:15 बजे गई थी, ठीक है, अभी समझ लीजिए 6:30 हो रहे हैं, ठीक है। मैं आ गई हूँ, मैंने चढ़ा भी दिया, मुझे आधे घंटे के लिए गई थी, आधे घंटे फटाफट लिया और भाग गई अपने घर। यार बाहर ऐसी ठंड है, ऐसी ठंड है जो डेली निकलते हैं, हाथ मेरे ऐसे लग रहे हैं कि ऐसे गल गए हैं। अभी मैंने वो गरम किया है अपना, अब जा रही हूँ थोड़ी देर अपने हाथ सेकूंगी, फिर इसे पीसूंगी, आटा लगाऊंगी, फिर पराठे बनाऊंगी, फिर आलू, सूखे आलू तो हस्बैंड बनाएंगे, उन्होंने बोला था उबाल के रख देना, क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनाते हैं सूखे आलू। उनके जैसा कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मैं उनकी तरह नहीं बना पाती हूँ, जैसे आलू टमाटर हुए और भी 2-3 चीज़ें हैं, मतलब हम दोनों के स्वाद में फ़र्क रहता है, तो उनका ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सूखे आलू वही बनाएंगे। तो चलिए मैं गर्म पानी पी लूँ, ये लो गर्म पानी, सो वो हो गया, बॉयल हो गया पूरा, तो एंजल को भी दे दूँगी, खुद भी पी लूँगी हल्का सा। यार बहुत ठंड है, यानी कल 26 जनवरी है, कल भी ठंड रहने वाली है, क्योंकि वेदर तो ऐसे ही दिखा रहा है। और इस ठंड ने कसम से जीना हराम कर दिया है। मेरा कुकर ना ये परमानेंट काला है, ठीक है, ये ऊपर से बिल्कुल साफ़ है और ये बहुत पुराना है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, कि मुझे तो ये सही चलता है, तो मैंने इसको अभी तक हटाया नहीं है। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी, अभी थोड़ी देर में आप लोगों से बात करती हूँ मैं। तो मैं रूम में आ गई हूँ और टिनटिन सो रही है। आज टिनटिन को मैंने बहुत ही रगड़ रगड़ के नहलाया है, बहुत ही रगड़ रगड़ के। और करीब मैंने, सही बताऊँ, मैंने इसको ना, यार एक और लाइट जला दे भाई, मैंने इसको करीब 3 दिन के बाद नहलाया है। 3 दिन इतनी ठंड हो रही थी, इतनी ठंड हो रही थी कि मैंने जानबूझ के, सही बताऊँ, मैंने नहलाया नहीं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा सही है, बस आप पोंछ दो, कपड़े चेंज कर दो, लेकिन अगर बच्चा बीमार पड़ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आज मैंने इसका खूब शैम्पू किया और खूब अच्छे से नहलाया मैंने इसको, मेरा वो कहाँ है गर्म वाला, और मैं थोड़ी हाथ सेक लूँ, यार बहुत ठंड है। ये रहा, इसी से ज़िंदगी कट रही है फ़िलहाल तो। और मैं एक दो चीज़ लेकर आई थी, दिखाती हूँ, अरे रुकी रुकी रुकी, वो दे रहे हैं जो गिफ्ट तो पैक कर दिया था, और मैंने ऑनलाइन भी चीज़ें ऑर्डर करी हैं, वो भी ले आना, तो वो भी, तो बस छोटी छोटी चीज़ लेनी थी प्यारी प्यारी सी, क्योंकि टिनटिन की जो ड्रेस है मुझे पहनानी है, टिनटिन की ड्रेस से मैचिंग मुझे रबड़ लेनी थी, 2 चोटी करनी है उसकी टिंट, और एंजल की ड्रेस से मैचिंग मुझे रबड़ लेनी थी। एक्चुअली क्या होता है, रबड़े तो बहुत लिया, क्लिफ इतनी आती हैं लेकिन बच्चे छोड़ते नहीं हैं, और एंजल तो इतनी बड़ी हैं, तो भी इनके लिए इतना लाओ फिर भी वो एक भी आपको। और ये अमेजोन से एक और गिफ्ट आया है, गिफ्ट क्या मैंने मंगा लिया था ऑर्डर करके, इसकी ज़रूरत होती है, ये जग रही है, थोड़ी देर और सो जा बेटा, इंजरी से काट हो जाए। ये मैंने वाइप्स का पूरा पैकेट ही मंगा लिया, वाइप्स होते हैं ना, इसका पूरा पैक मंगाया है मैंने, और ये आराम से मेरे करीब 4 महीने तो चली जाएंगे, इससे कम नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ देखो लगता है टिनटिन के लिए, और हम खुद भी यूज़ करते हैं, और ये सही भी रहता है,
अच्छा भी रहता है। मैं पैर सेक रही हूँ। और टिनटिन के लिए मैं क्या लेकर आई, एंजल के लिए क्या लेकर आई दिखाती हूँ। एक तो एंजल की जो ड्रेस है वो उसने बर्थडे पे पहनी थी तो वो पहन नहीं पाती है, तो उसी को पहना दूँगी मैं। तो उससे ये वाइट कलर का है, एक क्लिप है और एक येलो येलो वाइट में ड्रेस है और येलो कलर की रबड़ है। तो इनका मन है एक चोटी करके साइड में क्लिप लगाना, देखते हैं मैं ही करूँगी। तो ये एंजल की है, ये एंजल की लेकर आई हूँ। टिनटिन की ड्रेस मैंने आपको दिखाई दी थी, स्काई ब्लू और ब्लैक में है। कल सॉरी जब मैं इसको रेडी करूँगी फिर आपको पूरा ही ब्लॉग दिखाऊँगी कैसी लगती है। ऐसे तो आपने से ज़्यादातर फ्रॉक में देखा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। और ये टिनटिन की है, स्काई ब्लू बिट है, चेरी बनी हुई है इस पर और ये रबड़ है स्काई ब्लू, दो चोटी करके। और ये इसको क्लिप लगा दूँगी, ये टिनटिन की लेके आई मैं। और एंजल की मुझे स्कीवी लेनी थी हाई नेक, उसकी वाइट उसी ड्रेस के लिए कि अंदर इनर पहना के फिर उसके ऊपर आप हाई नेक पहना दीजिए बच्चे को, क्योंकि ठंड बहुत है, ठंड से बचना है। तो मैंने ये वाइट कलर की हाई नेक लेकर आई मैं एंजल की। और गिफ्ट मैं किट लेकर आई हूँ तो वो मैंने पैक करवा लिया है। अभी एक गिफ्ट और है वो मुझे पैक करना है। वो मैं खुद से पैक कर लूँगी। तो यही है, थोड़ी देर रेस्ट करके किचन में चलेंगे, खाना बनाएंगे। और मैं सोच रही हूँ पराठे बना के रख लूँ, हॉट केस में गर्म रहेंगे, फटाफट पराठे बना के रख लूँगी। आलू उबाल के रख दूँगी, छील के रख दूँगी, जब ये आएंगे अपने तरीके से फ्राई करेंगे आलू। बहुत चटपटे आलू बनाते हैं ये, मैं नहीं बना पाती। तो ये बेटा उसी में अलमीरा में ही रख दो। अलमीरा ये नीचे वाला नीचे डाल देना, हाँ नीचे डाल दो उसको। तो चलिए मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बात करती हूँ। और टिनटिन देवी जी अभी सो रही हैं तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मेरे जो बथुआ था मैंने उबाल लिया है, इसको बस मुझे पीसना है। और इस कुकर में मैं चढ़ाने जा रही हूँ आलू, इसको बॉईल करके रख दूँगी। तो चलिए पहले मैं बथुआ पीस लेती हूँ, फिर आटा मुझे लगाना है। बच्चे इतनी ठंड में बाहर खेल रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे मैं बथुए को सॉरी पीस लूँगी मिक्सी में और इसका बैटर तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने मिक्सी अपनी ऑन कर ली है, बथुए को पीस रही हूँ। और इसके बाद देखिए मेरा बथुआ अच्छा पिस गया है, क्योंकि हल्का सा जब इसका ठंडा होने का वेट करना पड़ता है। और अब मैं लगा लूँगी आटा। तो आटे में मैंने बथुआ मिला दिया और इसमें काट रही हूँ मैं छोटी सी हरी मिर्च, दो हरी मिर्च काट दूँगी इसमें। और नमक मिलाती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और हल्का सा नमक मिला दिया है, अपने आप स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आटा इसका लगा लूँगी, बथुए का आटा तैयार करके अपना रख लूँगी। और मैं बस पराठे ही बनाऊंगी अब, तुरंत ही बना के रख दूँगी, क्योंकि एक बार काम में लगो तो फिर काम हो जाता है। अगर आलस करके बैठ जाओ, वो भी इस टाइम ठंडियों में, तो फिर उठने का मन करता नहीं है। बार बार ब्लैंकेट में एक बार घुस जाओ तो ऐसी ठंडी पड़ रही है, किसी का भी मन नहीं करेगा, मेरा क्या किसी का भी मन नहीं करेगा। तो मैं सोच रही हूँ जब मैं काम में लगी हूँ तो हाथ लगे काम फटाफट मैं अपना फिनिश करके ही आराम से फिर ब्लैंकेट में जा के बैठूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है और मैंने अपना आटा तैयार करके लगा लिया है। और इसके बाद मैं बना रही हूँ पराठे, फटाफट मैं पराठे सेक के हॉट केस में रख दूँगी। तो लगभग मेरे पराठे भी रेडी होने वाले हैं और बस अब हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। आलू उबल गए हैं मेरे, तो आलू उबल जाएंगे और वो आके ही सूखे आलू बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अपने पराठे पूरे तैयार कर लिए हैं, मेरे पराठे लगभग सारे बन चुके हैं। और लेकिन खाना तो साथ में ही खाएंगे, खाना तो बच्चे भी साथ में ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने सारे पराठे, पहले तो मैं पूड़ी बनाने की सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं ऑयल ज़्यादा हो जा रहा है, तबीयत सबकी ख़राब थी, कम ही ऑयल खाएं। और यहाँ पे टिनटिन उठ गई है सो के, लेट उठी थी 8 बजे। तो मैं इसके बाल तैयार कर रही हूँ, लाओ दो चोटी कर रही हूँ इसके मैं, तो क्योंकि बाल इसके बड़े बहुत ही ज़्यादा घुघराने हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा लाओ इसकी दो चोटी कर देती हूँ। और ऑयल नहीं डाला,
ऑयल डाल के तो चोटी तुरंत सेट हो जाती है, तो मैंने आज ऑयल नहीं डाला, कल डालूँगी हल्का सा ऑयल लगा के फिर इसकी चोटी करूँगी। और बाल इसके खिंच रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घुघरा रहे थे, उसको होती है दिक्कत बाल बनाने में, लेकिन दो चोटी में बहुत प्यारी लगती है। और ये मैंने इसकी दो चोटी तैयार कर दी। और यहाँ पर हस्बैंड आ गए हैं, तो पहले उन्होंने चाय पीने के लिए कहा, तो मैं वही चाय लेके ब्लैंकेट में बैठी थी, कह रहे उसके बाद खाना खाएंगे, पहले चाय पी लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों लोग पी रहे थे चाय, और क्योंकि आने के बाद तो यार अदरक वाली चाय चाहिए होती है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि पूछना नहीं है। तो बस हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ चाय पी रहे हैं, और ये देखिए खाना हम लोग खाने जा रहे हैं। हमने ब्लैंकेट में ही बैठ के खाना खा लिया था, यार ठंडी इतनी है, डाइनिंग टेबल पे कोई बैठना नहीं चाहता, तो बस आराम से हमने अपने यहाँ पे खाना फिनिश कर लिया। अरे अभी पान तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ, खाना पीना हो चुका है, फिर कल फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लोगों को भी बताइए जो आपके फ्रेंड हैं, ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो सके। और कोई गलती होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।